जल्दी जल्दी आप सभी लाइव ज्वाइन कीजिए। आज मैं आप सभी से उस बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले आप सभी जुड़ जाइए, फिर मैं आप सभी से बात करती हूँ। बोलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय भीम। आप सभी लाइव ज्वाइन कीजिए मेरी। आज मैं आप सभी को बताती हूँ, जय भीम दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि एक आज हमारे समाज से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हमारे लिए करा था, आज जो कुछ भी है हम उनकी वजह से हैं, अपने भीमराव अम्बेडकर की वजह से। तो हमारे समाज से आज एक रथ यात्रा जो लेकर आए हैं, आइए आप सभी को उनसे मिलवाते हैं। मुकेश सरकार जी, जय भीम। मुकेश सरकार जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। जितने भी साथी जुड़े हुए सबको बहुत बहुत साधुवाद। कैसे हैं वंशिका जी? मैं अच्छी हूँ। अगर मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आज सूट पर थी, इस वजह से थोड़ा लेट हुई मैं लाइव आने में। वंशिका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमें तो समाज के लिए कुछ करना है, एकजुट करना है। समाज का जो भी समाज गिला सिकवा है उसको दूर करना है, क्योंकि समाज है ना आज बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, वो उसका तो वजह 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 जानने के लिए मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं यही सवाल करता हूँ। कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, मेरे से बेझिझक पूछिए। एक नहीं, मेरे से दो सवाल पूछिए, मैं सभी का जवाब दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को भी कोई भी सवाल जवाब करना है वो आप मैसेज कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कोई भी बंदा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सभी को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो मेरे समाज से हो, चाहे वो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सभी को सपोर्ट करूंगी। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना बड़ा काम करा। सच में बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेरा सपोर्ट रहेगा। तो, वंशिका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये यात्रा अभी मैं धौलपुर राजस्थान से मैंने एंट्री करी है, इसमें उत्तर प्रदेश आगरा की सीमा में घुसा हूँ मैं। हाँ। पीछे मेरे साथ आप जाम, मेरी गाड़ी खड़ी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत प्यार की गलतफहमी मैंने क्लियर की है, और जब तक हम उनके बीच में बैठ के ना उनकी समस्याएं, उनकी नाराजगी नहीं सुनेंगे, तब तक समाज बिखरा ही रहेगा, एकजुट नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करके करूं जी। और जाति विधा जाति ना करें वो काफी अच्छा है। जी 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 जी, जी। तो नहीं, इस काम पे निकले हुए मेरे को, और मैं तो कहता हूँ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान जागरूकता रथ यात्रा, जो हमारा ये इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, इस पे कोई भी भाई आके किसी भी तरह का मेरे से सवाल कर सकता है, हर सवाल के जवाब दूंगा। जो जितने सवाल मेरे से पूछेगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, संविधान जिसको भी कोई भी सवाल पूछना है वो उनकी आईडी पर जाकर पूछ सकते हैं। संविधान जागरूकता रथ यात्रा जी, कन्याकुमारी टू दिल्ली। सभी इनकी आईडी को फॉलो करो और इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने जैसे इनकी वीडियो देखी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सच में, क्योंकि हमारे भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ करा था। जो कुछ भी है हम उनकी वजह से ही है। शिक्षित बनो सभी, जाति विवाद पे ध्यान मत दो, सभी समाज के लिए अच्छा काम करो। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सभी को सपोर्ट करती हूँ। आज मैं अपने समाज को भी सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जी 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 जी, जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं या फिर मैं बोलूं जय भीम। इन सभी से थोड़ी ना होता है कि मैं बाबा साहब को मानती हूँ।
बाबा साहब ने ये कहा तो था कि मैं बताओ कहता हूँ, ये तो संघर्ष पता है, करो। ये तो संगठित रहो। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ना जो लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, करने वाला अकेला ही करता है। जैसे मैं निकला हूँ जी, बहुत से बोलते जिसमें हैं, करने की, मूछें रखते हैं, बहुत से अपनी छाती पर हाथ मार के बोलते हैं कि हम जाटव हैं। उन्हें थोड़ी ना जाटव कहते हैं। बाबा साहब ने ये नहीं बोला था कि तुम मेरा नाम बोलो या फिर मूछें रखो या फिर ये बोलो कि हाँ भाई जय भीम या फिर हम जाटव समाज से। बाबा साहब ने ये बोला था, मेहनत करो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो और नाम कमाओ, जैसे कि आज हमारे सर ने कमाया है। आज हमारे सर वो हमारे समाज के लिए इतना सब कुछ बाहर निकल गए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। सब सपोर्ट करो। मैं वही फिर एक बार कह रहा हूँ वंशिका जी, संविधान जागरूकता रथ यात्रा कन्याकुमारी टू दिल्ली, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, 9 से 10 के बीच में डेली आता हूँ। किसी भाई को कोई भी सवाल पूछना है, दिमाग में बेझिझक में से सवाल करे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और जो जितना सवाल पूछेगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आज समाज है ना बिखरा पड़ा हुआ है, उनकी नाराजगी है ना समाज की, एक 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 उसपे नहीं है, कई लोगों से है। वो पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, जो भी सवाल है मेरे से पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल मैं सिर्फ ये यात्रा पैरों से चलने वाली वो नहीं है, मैं तो लोगों से बीच में बैठ के बात करता हूँ, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसे होती है कि नाराजगी जो होती है ना उनकी, उसमें वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, हाँ, वो तो उस तो है। गलतफहमी को भी दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम कन्याकुमारी से निकले हैं कि जो 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 लोग हमसे जुड़ेंगे, सवाल करो, जब तक वो सवाल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा उनकी नाराजगी की वजह भी क्या है। आज की लाइव मेरे लिए स्पेशल थी। मैं कभी भी रात को लाइव नहीं आती, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। हमारे समाज के हैं तो मेरे को लाइव जी आना जी 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 चाहिए। जी 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 अरे बिखरे हुए समाज को मैं कह रहा ऐसा हूं, हमने एकजुट करने का बीड़ा उठाया है, और मैं अकेला चलाऊं, मैं कह रहा हूं मैं अकेला चलाऊं, इसमें बहुत भाई जुड़ेंगे, बहुत भाई पसंद भी करेंगे। हाँ, एक बात और, बहुत से क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं जी बाबा साहब की। जी वीडियो बनाने से थोड़ी ना होता है, वो देख थोड़ी ना रहे हैं आप सभी को। ऐसे सपोर्ट करते जैसे हमारे मुकेश मुकेश सरकार जी ने करा। मैं ये कह रहा हूं, भगवान बुद्ध ने कहा था, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ के साथ चलने से अच्छा है आप सही दिशा में सही दिशा अकेले की चलो। तरफ चलो, सही दिशा की तरफ चलो और चाहे आपको अकेला अकेले चलना चलो। पड़े, वो अकेले चलो, भीड़ का कोई वो नहीं होता है, नाराजगी है, वो नाराजगी दूर करने के लिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत नेक इंसान मिले, और ज्यादातर नेक इंसान वही मिले जो गरीबी हालत से नीचे जी रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वैसे तो 14 अप्रैल तक आ जाएंगे ना। हाँ, तो वैसे आप जो आओगे दिल्ली में है ना, वो 14 अप्रैल तक के आ जाओगे ना आप, 14 अप्रैल तक। हाँ, 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे दिल्ली में एंट्री कर जाऊंगा मैं, और 10 और 11 के बीच में पार्लियामेंट हाउस में जो बाबा साहब की स्टैचू लगी है ना, जी वो जी स्टैचू मैं 8 बजे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करूंगा, और 10 और 11 के बीच में पार्लियामेंट हाउस में जो बाबा साहब का स्टैचू है ना, उनके चरणों में 4 फूल चढ़ा के ये यात्रा का समापन करूंगा। 80 दिन की बिल्कुल, यात्रा है ये। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं वहां पे आने की कोशिश करूंगी पक्का, क्योंकि हमारा भी प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ, देखो अब हमें ना समाज को एकजुट करना है, जो नाराजगी है उनकी नाराजगी सुन के वो नाराजगी दूर करनी है, और समाज को एकजुट करना है। जी 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 मैं बिल्कुल आऊंगी, समय निकाल के मैं जी जरूर आऊंगी। ठीक है वंशिका जी, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुधाय वंशिका जी।